वेलकम गाइज, आप लोग का एक और न्यू वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले सुकुना वर्सेस कई सारे कैरेक्टर के बारे में। और ये कई सारे कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गोकू, वन पंच मैन और बेंटेन है और या फिर वेजिटा है। ये कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर है जिनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जेजेके यूनिवर्स में जब से सुकुना का कैरेक्टर देखने को मिला है उसके बाद से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि सुकुना अपनी पावर का यूज करके वन पंच मैन, गोकू या फिर बेंटेन के जैसे कैरेक्टर को नॉकआउट कर सकता है या फिर नहीं। इन सारी चीजों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन सारे यूनिवर्स में से किसी भी यूनिवर्स के फैन हैं और आप लोग सुकुना के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो के अंदर इस वर्सेस बैटल को जरूर देखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सुकुना की पावर लिमिट है क्या और सुकुना इनमें से किन कैरेक्टर को नॉकआउट कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुकुना की अपीयरेंस जब से हमें देखने को मिली है उसके बाद से बंदा इतादोरी की बॉडी पे कंट्रोल करके रह रहा था। सुकुना की जो सोल है वो इतादोरी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती थी। इसके पास हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके कई सारे शिकिगामी इसको मार चुके हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल इसकी हीलिंग फैक्टर की वजह से काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बंदा अपनी बॉडी को हील कर सकता है। एक बार इतादोरी के मरने के बाद ये बंदा उसे भी रिवाइव कर देता है। इसके पास हमें टेलीपोर्टेशन की पावर देखने को मिली है। बंदा फायर अटैक कर सकता है और ये बंदा साउंड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है। इसके पास हमें कई सारी मैजिकल पावर देखने को मिली है। किसी की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है और अपने स्लैश अटैक का यूज करके किसी की बॉडी को कट कर सकता है। और इसके जो सबसे डेंजरस मूव है उसे आप लोग डोमेन एक्सपेंशन के नाम से जानते हो। अब ये सारी पावर हमें सुकुना के पास देखने को मिली है। अब एक एक करके सुकुना के साथ इन कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं सैतामा के बारे में। देखो, सैतामा के कैरेक्टर के बारे में ऑफिशियली कंफर्म किया जा चुका है कि सैतामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। ये बंदा आधे अर्थ को उठा चुका है अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके। एक पूरे मीटियोर को अपने पंच का यूज करके धूल बना चुका है, जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और कई सारे गोडली कैरेक्टर के साथ हमें इसकी बैटल देखने को मिली है। उसकी बॉडी को हार्म करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल है और ये बंदा साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है। तो क्या सुकुना के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो क्या सुकुना अपनी पावर का यूज करके वन पंच मैन को नॉकआउट कर सकते हैं? देखो, वन पंच मैन को नॉकआउट करने की कोशिश कई गोडली कैरेक्टर ने करी है और सुकुना की जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुकुना जो है वो वन पंच मैन के कैरेक्टर को नॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि वन पंच मैन की जो बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। जिसके चलते सुकुना चाहे अपने कितने अटैक इसकी बॉडी पे करे, ये बंदा वन पंच मैन को मार नहीं सकता। लेकिन जो सुकुना है उसको मारा जा सकता है और वन पंच मैन जो सुकुना को इतनी बार मारेगा, इतनी बार हमें उसकी दर्द देखने को मिलेगी कि ये बंदा अपने आप को रिवाइव ही ना कर पाए। वहीं पे बात करें हम लोग गोकू के बारे में, तो गोकू अपने यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सैयन है और इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं होती। ये कई सारी अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं, जैसे सुपर सैयन 1, 2, 3, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके पास हमें कामेहामेहा देखने को मिला है। ये बंदा एनर्जी अटैक कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। और हमें देखने को मिला कि ये बंदा टेलीपोर्ट हो सकता है और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और गोडली कैरेक्टर्स के साथ इसकी बैटल हमें देखने को मिल चुकी है और एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे आप लोग सुपर सैयन गोड के नाम से जानते हो, जो कि गोड्स को नॉकआउट करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इसके पास हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी देखने को मिला, जो कि अभी तक का गोकू का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बंदा जब जिरेन के साथ बैटल करता है उस टाइम पे इसका यूज करता है और जिरेन को नॉकआउट भी कर देता है। तो ये सब गोकू की पावर थी। अब इन दोनों की पावर को कंपेयर किया जाए तो गोकू जो है एक प्लैनेट लेवल का कैरेक्टर है या फिर यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है, लेकिन जो सुकुना है ये बंदा सिटी लेवल का कैरेक्टर भी नहीं है। यानी कि ये बंदा अपनी पावर का यूज करके पूरी सिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो इन दोनों कैरेक्टर में गोकू इजिली विन करेगा। वहीं पे बात करें बेंटेन के बारे में, तो बेंटेन के बारे में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि बेंटेन कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। बंदा गोडली कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे चीजों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो सुकुना इसकी छोटी फिंगर के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे बेंटेन के साथ इसे ना ही कंपेयर करें तो ही अच्छा है। तो गाइज, यहाँ पे सुकुना की इतनी पावर नहीं है कि ये बंदा इनमें से किसी भी कैरेक्टर को नॉकआउट कर पाए। अगर आप लोग इसे वेजिटा के साथ भी कंपेयर करोगे तो भी वेजिटा का कैरेक्टर जो सुकुना को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज, ये थी आज की हमारी कंपैरिजन वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने सुकुना को कई सारे पावरफुल कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया। अभी भी आपको लगता है कि सुकुना का जो कैरेक्टर वो इनको हरा सकता है तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कैरेक्टर सुकुना को नॉकआउट कर सकता है तो उसका नाम नीचे लिख देना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।